हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग मुसाफिर योगी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे भाई, जितने भी हमारे दोस्त हमारा व्लॉग देखते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, और जितने भी नए लोगों के पास हमारी वीडियो आज पहुंची है, तो भाई एक लाइक जरूर करना आप लोग। अभी मैं हूँ हमारे गाँव के मंडी ग्राउंड में, मतलब अनाज मंडी में। अभी दिखाता हूँ यहाँ का सीन। ये भाई हमारे गाँव की, मतलब हल्का आता है, हल्का भवानी खेड़ा की अनाज मंडी। दो साइड बना रखे हैं, ये एक साइड नया बनाया है और अब ये काम चलने लग रहा है भाई। ज़्यादातर लोग जिनको स्कूटी गाड़ी नहीं चलानी आती, उनको सिखाने के लिए इसको प्रयोग में करते हैं, ट्यूशन सेंटर। और भाई अभी अनाज वगैरह सब कुछ उठ गया, आज आ चुकी है खाद, यूरिया खाद के ट्रक आए हैं। अरे भाई जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दाना की फसल बो अपनी मेटाडोर लेके यहाँ पे पहुँच गया, क्योंकि भाई अपनी खाद अभी शिफ्ट करनी है। इस दुकान में रख देवांगे आप एक बार। ताऊ भी आ गया, आपकी रेडी चालू करने लग रहा है। ताऊ तो रचा ले गया, शौक लगा लो गुटका बीड़ी इनके, तो शौक लगा लो। वीडियो बनाने का क्या शौक होता ना ना, बस कहने की बात से मेरा ताऊ नू कहे भाई ये वीडियो बनाई जा है कि मैं अन्ना देला मिला है गेहूं लगे रहे बेफालतू में। बता दो भाई, यहाँ बता देंगे इन मेरा है। सोशल मीडिया बहुत क्रेज चल रहा था वो, और मैंने घूमता तो रातों रात वायरल हो उसका है, रातों रात। अगली सवेर भी होगा नहीं होगा, रात नहीं होलेगा क्या? बराबर में मैं लगाऊंगा एक रेडी फिर दिखाऊं हैं। आजकल भाई देखा है कि भाई कोई भी बंदा हो, अच्छे से अच्छे घर का भी बंदा भी चाय की जूस की रेडी लगा करके, और गणे से गणे छः महीने तो बहुत कम है, पाँच एक महीना में बंदा वायरल हो जाए भाई। कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, मोज हो, यूट्यूब हो, कोई भी एक्स वाई जेड, ट्विटर वगैरह सब कुछ सारे फैल कर रखे हैं। मतलब चाय पिलाओ दोस्तों को और बस वायरल हो जाओ। बहुत अच्छी टेक्निक ढूंढ रखी है भाई, लेकिन यार सारे की अपनी अपनी मिथ है, कौन किस पर काम करे। ट्रक रितने लग रहे ट्रैक्टर में। बाबू जी गया रपील लेने। हाँ भाई ये डंडे डंडे ले ही बैठा है, हैं? अबे चेवर दिखाई जुगाड़, कुर्सी का जुगाड़ दिखा, कुर्सी मार भी भाई टूट जाए तो फिर ये जुगाड़ कर ले भाई। सागी हो भाई, देला पाइप जोड़ दिया यार, नो डट कस दिया भाई ना, और काम धंधा किसा चल रहा है। बढ़िया भाई, दो बस खड़ी अपना तो। अच्छा तेरी है ये? हां मेरी है। वाह भी वाह, ये परली गाड़ी या मेरी है भाई? अरे ये पर नया गाड़ी गुड़ी संसुज खड़े ट्रैक्टर ट्रैक्टर सारे मेरे भाई, सब अपना साम्राज्य अपना, राज्य अपना यो है, जनादेश आदेश करूंगा तो जनता मानेगी। यस सही है भाई। दिन तक वहां कितने? 1,00,000। वाह, सरकार होए पाछे रुपया की जरूरत कोनी होंदी, उए काम बन जा। अरे तो भाई नोट है, नोट फेंको तमाशा देख अपना लग रहा है। सही बात है। अरे भाई अपनी तो जमा धरती में टिक रही है। मतलब किस्मत जमा उजड़ रही है, कुछ नहीं है इन, सिर्फ वीडियो और कुछ मतलब यो बिना मतलब के ज्ञान के सिवाय अपने पास कुछ नहीं, सब मोह माया। भाई आ चुका ट्रैक्टर पर के खाद का, इवी नतारना पड़ेगा भाई सारा का सारा। भाई यहाँ का काम हुआ कंप्लीट, अब चलते अपनी मेटाडोर को लेके अपने घर पे। चल मेरी जादू मंत्र चूक लगकर चल ना 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 ना। दोपहर है भाई, लेकिन हवा ठंडी चल रही है क्योंकि मौसम बदल गया हमारे यहाँ का, कल बदला रात को तूफान के साथ। अरे भाई अभी हो गई शाम, दोपहर में मैंने बहुत सारा काम किया, फिर मैं पढ़ाई करने बैठ गया था, तो आप लोगों को थोड़े बहुत इवेंट दे नहीं पाया। लेकिन फिलहाल अभी मैं बना रहा हूँ कहीं पे जाने का प्लान, तो अमरनाथ और केदारनाथ मेरा मकसद था। कि मैंने पिछले साल जो यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना, तब मैंने सोचा था कि अमरनाथ और केदारनाथ ये दो यात्रा मैं कंप्लीट करूँगा नेक्स्ट ईयर 2024 में। तो अभी 2024 आ चुका है और दोनों के कपाट भी खुल चुके हैं। अमरनाथ यात्रा जो है 27 जून से शुरू होगी, यानी 29 जून से लेके पूरी जुलाई और अगस्त के कुछ दिनों तक चलेगी। रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ यात्रा क्लोज हो जाएगी, बट केदारनाथ तो बहुत टाइम तक चलती रहती है, नवंबर तक भी चलती है। तो भाई साहब ये सीन है, अपनी दादी के पास बैठा था मैं। मदर किस जाना चाहिए बता, केदारनाथ जाना चाहिए या फिर अमरनाथ? क्या था? मैं घूमने जा रहा हूँ, तेरे खातर दुआ मांगूंगा कि मेरी दादी ठीक कर दे। किस जाना चाहिए, केदारनाथ? बोले बोले बाबा का दरबार है केदारनाथ, और अमरनाथ भी बोले बाबा का दरबार है, तो तय बता कौन सी सजेस्ट करेगी?
कौन सिम जाना चाहिए बता कौन सिम जाना चाहिए सारे हम जाना चाहिए मेरी दादी का कहना सारे हम जाना चाहिए सारे हम जाने खातर पैसा लगता है पैसा मेरे पास पैसा नहीं है बिल्कुल नल्ला हूँ मैं बेकार हूँ मैं बेरोजगार हूँ पैसा कहाँ से आएगा सबसे बड़ी बीमारी है पैसा मेरी दादी बीमार रहोगा मेरी दादी बहुत कमज़ोर होगी मेरी दादी बुढ़ी होगी सारी कंडीशन मेरी दादी पर लागू है ना वहाँ लेकिन सबसे तगड़ी बीमारी पता है क्या है पैसा जिस इंसान के पास पैसा ना हो ना वो बीमार है तो इससे पहुंचते हैं हमारे दोस्त की दी हुई मेटाडोर हम अपने बंदरों को खिलाने आए हैं साथ आया मेरा दोस्त मेरा मिल्खा भाई जय हो ये देख लो भाई लीची ढूंढ के खा गया अपने आप ये ले मैं देता हूँ तेरे को ये ले ले जा हम इनको रोज खिलाते हैं ना इसलिए हमारे साथ कुछ खास है ये बंदर ले भाई ले जा भाई अब लीची हो चुकी है खत्म लेकिन तेरे लिए लेके आया हूँ मैं एक खा ले लो भाई सभी को खिला दिए और अब शाम हो चुकी है ठीक है भाई आज हमारा दोस्त हमारा व्लॉग कैंटिंग करेगा तो जय श्री राम दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना भाई शेयर जरूर करना जय श्री राम जय हिंद जय भारत।